दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी पर। संकट चौथ पर खाना है आपको तीन चीज। दोस्तों हमारे हिंदू सनातन धर्म में माघ मास में पड़ने वाला तिल चौथ व्रत का सभी माताएं बहनें करती हैं। साल 2024 में तिल चौथ व्रत किस तारीख को रखा जाएगा, इसके जरूरी नियम क्या हैं और इस दिन चंद्रोदय चंद्र निकलने का सही शास्त्र सम्मत समय क्या होगा और इस दिन कौन सी चीज़ें खा लेने से संकट चौथ माता और भगवान गणेश जी की कृपा बरसेगी, तो मेरे प्रिय दर्शकों यह माघ मास के कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि पड़ती है, इसका शास्त्र में बड़ा महत्व है। इस दिन को कई नामों से अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे यानी कि तिल कुट चौथ, कुछ लोग इसे यानी कि तिलवा चौथ बोलते हैं, कुछ लोग इसे माघी चौथ के नाम से बोलते हैं, कुछ लोग इसे संकट चौथ के नाम से बोलते हैं, तो वहीं कुछ लोग संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से जानते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे तिल चौथ के नाम से जानते हैं। आज हम बात करेंगे कि 2024 में ये किस दिन होगी, इसका सही समय क्या होगा, चंद्रोदय का सही समय और कौन सी चीज़ खाने से आपके कष्ट दूर होंगे। तो दोस्तों बता दें कि यह 29 जनवरी दिन सोमवार को पड़ रही है। इस बार शिव शंकर भोलेनाथ के दिन जो सबसे प्रिय दिन है सोमवार, उस दिन पड़ने जा रही है। दोस्तों इस दिन चांद निकलने का सही समय ये क्या है ये भी बताएंगे, पूजा करने का सही शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ये भी बताएंगे, साथ ही साथ इस दिन कौन सी ऐसी चीज़ों को खा लेने से आपको भगवान गणेश जी की कृपा बरसेगी और संकट चौथ माता की भी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि संकट चौथ माता की कृपा से ही आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश और संकट चौथ माता की कृपा प्राप्त हो तो इस दिन भूल कर भी ये चीज़ें मत खाना, क्योंकि ये चीज़ खाने से आपका व्रत टूट सकता है, आपका व्रत खंडित हो सकता है। और कौन सी चीज़ खाने से भगवान गणेश और संकट चौथ माता प्रसन्न हो जाती हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के बीच में। दोस्तों साल 2024 में जनवरी महीने में माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इसकी सही तारीख इस बार होगी यानी कि 2024 में जो पड़ेगी वो 29 जनवरी दिन सोमवार को पड़ रही है। दोस्तों इसका हमारे शास्त्र में बड़ा ही महत्व है। प्रातः काल जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यानी कम से कम 4 बजे के आसपास उठ जाएं, बिस्तर को त्याग दें जो भी माताएं बहने हैं, क्योंकि ये माताएं बहने ही रखती हैं इस व्रत को, इसलिए उनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और फिर यानी कि शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें या फिर नए कपड़े चाहें तो आप इस दिन पहन लें। इस दिन काले नीले भूलकर भी ना पहने, इस दिन जो भी लाल है ये पीले कपड़े पहन ले, यानी कि जो भी हरे रंग के कपड़े पहन ले तो काफी अच्छा रहेगा। फिर सबसे पहले तो अपने पूजा स्थान को जाकर साफ सफाई करें और पूजा स्थान पर जाकर पहुंचकर एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, दीप प्रज्वलित करके गणपति भगवान गणेश जी की इस दिन पूजा करनी चाहिए, उनके प्रणाम करें। सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लें, थोड़ी सी दूर्वा ले लें और सुपारी एक ले लें और फिर आप संकल्प लें कि हे गणपति भगवान, आज का जो तिल का चौथ का व्रत है इसे मैं पूर्ण भाव से श्रद्धा से संपन्न करने का संकल्प लेती हूँ। जो भी आपके मनोभाव हैं उसके लिए आप प्रार्थना करें, बारंबार प्रणाम करें और फिर अपनी कामना और अपनी जो भी मन की अर्जी है वो जरूर बोल दें। और फिर आप एक लोटा जल जरूर वहीं पर छोड़ दें और जल को ध्यान रखें आपके पैरों पर ना पड़े। रात्रि में चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है, क्योंकि चंद्रदेव का दर्शन करने के बाद ही ये व्रत पूर्ण रूप से सफल होता है। दोस्तों इस व्रत का बहुत ही जरूरी नियम होता है जो भी पालन करते हैं, व्रत आप जिस दिन रखते हैं उस दिन पूर्ण रूप से सात्विक भोजन करें, आपको इस दिन भूलकर भी झूठ कपट नहीं बोलना है। दोस्तों ये जो चतुर्थी तिथि के दिन यानी कि संकट चौथ का व्रत का जो सही समय है चंद्रमा का निकलने का, वो चलिए अब हम बता देते हैं। तो ये 29 जनवरी को रात्रि 8:50 पे चंद्रमा दिखाई देगा, यानी कि चंद्रोदय का समय होगा और उसके बाद यानी कि चंद्रमा को देखकर ही माताएं बहने फिर पूजा पाठ करेंगी। जी हाँ, पूजा पाठ करें, भगवान गणेश जी की करें, संकट चौथ माता की पूजा पाठ करें। विधि विधान से जो भी सामग्री है जैसे कि इस दिन काले तिल और शकला और गुड़ ये जरूर उन्हें भोग स्वरूप में यानी कि उन्हें अर्पित करें, चढ़ा दें, इससे भगवान गणेश और संकट चौथ माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। यानी कि इस दिन आपको
विशेष तौर पर गुड़ और काले तिल और जो सकला होता है उसे जरूर यानी कि भोग के रूप में स्वीकार यानी देर अर्पित करना है भगवान गणेश जी को और सकट चौथ माता को, तो इससे आपके जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों इस दिन भूल कर भी लहसुन प्याज से बनी चीज़ें ना चढ़ाइए और लहसुन प्याज से चीज़ें यानी बिल्कुल भी नहीं खाना है। खासकर इस दिन फलों में जैसे कि आपको नाशपाती का भी यानी कि ना तो चढ़ाना है गणेश भगवान और सकट चौथ माता को, ना ही इसका सेवन करना है। तो भूलकर कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, नहीं तो आपका व्रत भंग हो जाएगा, सकट चौथ माता यानी कि क्रोधित हो जाएंगी। तो आपको लहसुन प्याज से जैसी बनी चीज़ें कोई भी नहीं खानी है और साथ ही साथ इस दिन पत्तेदार गोभी की सब्जी भी नहीं खानी है। और इस दिन यानी कि सकट चौथ के दिन आपको कुम्हड़ा की सब्जी नहीं खानी है और लहसुन प्याज से बनी सब्जी भी सेवन नहीं करना है। यानी इस दिन आपको बैगन भी नहीं खाना है, इन चीज़ों का सेवन करना प्रत्याय यानी कि अंडे वगैरह का भी सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन भी इस दिन ना करें। इस दिन विशेषकर सात्विक चीज़ों का ही सेवन करें। कोशिश करें कि इस दिन भगवान को सेव में केला और सीताफल का प्रयोग करें, ये विशेषकर फलों में ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। और इस दिन सर्वश्रेष्ठ जो रहेगा जिसे आपको खाना है वो जैसे कि काले तिल और गुड़ और शकला जो आप भोग स्वरूप आप भगवान गणेश सकट चौथ माता को चढ़ाएंगे उसी का सेवन करना है, जो भी माताएं बहने हैं यानी कि सभी को करना है। यानी कि इस दिन जो पुरुष हैं वो भी सेवन कर सकते हैं। इस दिन गुड़ काले तिल को जरूर खा लें और शकला को खा लें। दोस्तों इस दिन दूध के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा, ये बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। इस दिन गन्ने का भी सेवन जरूर करना चाहिए सकट चौथ के दिन, और गन्ने को भी आप अर्पित करना है भगवान गणेश और सकट चौथ माता को। विशेषकर ध्यान रखिएगा, गन्ने जरूर रख दीजिएगा, गन्ना रख दीजिए, काला तिल रख दीजिएगा, शकला और गुड़ रख दीजिएगा और फिर इसका सेवन कर लीजिए। एक घी का दीपक जरूर जलाइएगा। अगर खीर वगैरह भी बना सके हैं तो कोई बात नहीं, खीर का भी सेवन कर लीजिए, लेकिन इस दिन विशेष करके काले तिल का सेवन करना चाहिए। दूसरी चीज़ है इस दिन आपको गुड़ और काले तिल के बने लड्डू का सेवन करना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि इस दिन आप शकला जरूर खा लें, शकला खाने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है ये। तो कौन कौन सी चीज़ आपको खाना है, शकरकंद खाना है, गुड़ तिल के बने लड्डू खाने हैं और इस दिन आपको दूध वगैरह के खीर भी खा सकते हैं। इस दिन गन्ने का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी आपको लहसुन प्याज से बनी चीज़ें नहीं खाना है, पत्तेदार गोभी वगैरह बैगन वगैरह भी भूल कर भी नहीं खाना है, इससे व्रत आपका खंडित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में विशेष तौर पर कोई भी मनोकामना है, कोई भी आपकी कामना है तो जरूर गणेश और सकट चौथ माता के सामने आप बोल दें, आपकी सारी मनोकामनाएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय गणेश जी।